हेलो गाइस, वेलकम टू कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। आई एम जितेंद्र शर्मा और आज हमें अपने प्रिय बच्चों के साथ, जो कि आज बच्चों का इंडियन एयरफोर्स का मॉक टेस्ट यूनिट टेस्ट होने वाला है। और ये यूनिट टेस्ट जो कंडक्ट कराया जाता है, ये बैच वाइज कराया जाता है। मतलब अगर सुबह 7 से कोई 12 बजे तक बैच चलता है तो उन बच्चों को कंडक्ट कराया जाता है, और 12 से 3 चलता है तो उनके लिए कंडक्ट कराया जाता है। जितने भी बैचेस हैं, जितना हमने पढ़ाया है एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, उन बच्चों का वो यूनिट टेस्ट होता है। और ये यूनिट टेस्ट हमने जो हमारा नोटिस बोर्ड है, उस नोटिस बोर्ड में अपडेट भी कर दिया कि जनवरी तक में कितने बच्चों के यूनिट टेस्ट, कितने मॉक टेस्ट, कब इनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग लगेगी, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है बच्चों को और इन्फॉर्म कर दिया है। जो बच्चे अगर नोटिस बोर्ड में आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा नोटिस बोर्ड में। हाँ, आज परीक्षा है आपकी, आपका एग्ज़ाम है, बेहतर करोगे। इसके बाद 2 तारीख को आपका मॉक टेस्ट लगा है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा। सेंटर बुकिंग आपके मोबाइल नंबर से होगा और चॉइस सेंटर आपको मिलेगा, एक सेंटर जाएगा, वहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे। जो भी बच्चा उसमें टॉप करेगा उसको गिफ्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपके पेरेंट्स टीचर मीटिंग, आपके पेरेंट्स से मैं खुद बात करूंगा और वो आपके गार्जियन यहाँ पर आएंगे और उनको आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा कि सर ये बच्चे ने आपके इतना स्कोर किया है और इस बच्चे ने इतना स्कोर किया है और ये गधा है और ये पढ़ा लिखा भी नहीं है, ज़्यादा कम पढ़ा है, इसलिए इसका ये स्थिति रहा है ना। तो इन बच्चों का ये क्राइटेरिया रहा। तो इन बच्चों के साथ आज हम जानना चाहेंगे कि आज इनका जो एग्ज़ाम है, तो आप ये बताओ कि एग्ज़ाम की तैयारी आपने की? यस सर। ठीक ठाक तरीके से किया है? यस सर, एकदम ठीक ठाक से सब कुछ हुआ है। हाँ, और आशा है कि हम अच्छा करेंगे। आशा है कि अच्छा करेंगे, आशा नहीं होनी चाहिए, एक उम्मीद होनी चाहिए। यस सर। है ना, तो आपने पढ़ाई की तैयारी किया है? यस सर। अच्छा, सभी सब्जेक्ट का? यस सर। आपने रिवीजन किया? यस सर। क्या नाम है आपका? अंकित पाल। अंकित, आप लोगों ने किया है तैयारी? तो पूरी तरह से तैयार हैं आप सब? तो आप देख रहे हैं कि खूब जोश में बच्चे आज हमारे हैं और इस जोश को आज ये लोग पेपर में उतारने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स का और आने वाली जो एनरोलमेंट लिस्ट है, वो एनरोलमेंट लिस्ट आपकी 15 जनवरी के बाद आ जाएगा, क्योंकि आपका जो परेड होने वाला है बच्चों का, जो ट्रेड ट्रेनिंग में गए थे वो भी मई में परेड लगा है, POP लगा हुआ है बच्चों का। तो जनवरी 15 जनवरी के बाद बच्चों का एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगा और इनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। इस बार काफ़ी चीज़ें इंडियन एयरफोर्स चेंज कर रहा है, जिसमें केवल 4 महीने की ट्रेनिंग कराया जाएगा बेलगांव में, और 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर इनकी 16 महीने की ट्रेनिंग होगी, ट्रेड ट्रेनिंग होगी। तो काफ़ी इन लोगों को छूट मिलने वाला है। और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में बच्चों का रिजल्ट भी आ जाएगा इंडियन एयरफोर्स का, उसके साथ ही साथ जनवरी में नोटिफिकेशन भी आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इनका अप्रैल में इनको एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराना है और जुलाई में नया बैच भी इनको देना है। तो उधर मई में क्या हो जाएगा, मई में आप सबको पता है कि मई में इधर जो बच्चों का फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने का इनका परेड बेलगांव में ट्रेनिंग चलेगी, और 4 महीने बाद 1 महीना रेस्ट लेके फिर इनकी जुलाई से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये सिलसिला इंडियन एयरफोर्स का, जो इंडियन एयरफोर्स का अपना कहना है। तो हमारे बच्चे पूरी तरह से तैयार हैं, आप लोग तैयार हैं? यस सर। इधर भी घूम लेते हैं और कैमरामैन से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा सा इन बच्चों की तरफ घुमाया जाए, ताकि इन बच्चों को ये ना लगे कि सर ने बात नहीं की। आप लोग तैयार हैं? यस सर। किस लिए तैयार हैं? तैयारी हुई है? यस सर। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से बच्चे तैयार हैं और तैयारी कर आए हैं। तो अब देखते हैं कि अगला परिणाम क्या होगा इन बच्चों का। NDA भी ठीक ठाक रहा, बच्चों का ठीक ठाक रिजल्ट आया, कई बच्चे आज आ भी रहे हैं मिलने के लिए। ठीक है, तो मुलाकात ऐसी होती रहेगी आपसे और बने रहे हमारे साथ, फिर मिलेंगे इन बच्चों के एग्ज़ाम्स के बाद, पूछेंगे इनसे कैसा रहा इनका पेपर, और ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। और ठीक है, आप सब तैयार हैं पूरी तरह से? आप कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर। जौनपुर से यहाँ पर आए पढ़ने के लिए? यस सर। तो आज आपका यूनिट टेस्ट आपको पता था? यस सर। कैसे पता चला? सर फोन में, व्हाट्सएप पे, फोन और व्हाट्सएप पे भी इन्फॉर्म किया गया, फोन में भी लगाया गया है। तो चलिए ठीक है, आप सब तैयार हैं उसके लिए। तो हम अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इन बच्चों के साथ, कि हम इनसे पूछेंगे इनका एग्ज़ाम कैसा रहा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।